तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगिनर्स यानी कि UFB का पार्ट 23 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं तीन अक्षर से बने ए मात्रा वाले उर्दू के शब्द। तो बेसिकली अगर आप लोगों को मालूम है कि उर्दू में ए को कैसे लिखा जाता है और किसी भी अक्षर मतलब उर्दू का कोई भी अक्षर को कैसे ए की मात्रा में बदला जाता है, तो आप लोग इतने सारे तीन अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को आसानी से उर्दू में लिख पाएंगे। और कहीं पर भी अगर उर्दू में ए मात्रा वाला शब्द लिखा हुआ है तो उसको आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे अगर आप लोगों को वो फार्मूला मालूम है तो, जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसके पहला वाली वीडियो यानी कि पार्ट 22 में, ठीक है, वहीं पर मैं आप लोगों को बताई हूँ कि कैसे उर्दू में ए को लिखा जाता है और किसी भी उर्दू के अक्षर को कैसे ए की मात्रा में बदला जाता है, ये हर एक चीज़। ठीक, तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ ताकि जो लोग पार्ट 22 नहीं देखे हैं उनको मालूम चल जाए और जो लोग देख चुके हैं ऑलरेडी उनको रिवाइज़ हो जाए। ठीक, देखिए उर्दू में ए को कैसे लिखा जाता है, अलिफ के ऊपर जबर और बड़ी ए जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया आप लोगों का ए। और किसी भी अक्षर को अगर ए की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर जबर लगा देना है और उसमें बड़ी ए जोड़ देना है तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल, जैसे कि अलिफ के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ए जोड़ दिए तो ये ए हो गया ना, उसी तरह उर्दू का कोई भी अक्षर को ए की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर जबर लगाकर और बड़ी ए जोड़ देना है तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाएगा। जैसे कि कै में कै बनाना है तो काफ से क होता है और काफ के ऊपर जबर लगाकर और उसमें ये बड़ी ए जोड़ दीजिए तो कै हो जाएगा। मैं लिखना है तो मीम के ऊपर जबर लगाकर उसमें बड़ी ए जोड़ दीजिए तो मैं हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों को मैं इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब उसी फार्मूले का यूज़ करना है और इतने सारे शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला शब्द है तीन अक्षर से मिलकर बना ए मात्रा वाला शब्द हैरान। हैरान को उर्दू में कैसे लिखना है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए है सबसे पहला अक्षर क्या है, तो सोचिए कि हौ को उर्दू में क्या कहते हैं, हौ को उर्दू में हे कहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट लिख दीजिए हे से तो ह हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी कि इसको ए की मात्रा में बदलना है। तो अभी क्या बताई, किसी भी उर्दू के अक्षर को ए की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के ऊपर जबर लगाकर और उसमें बड़ी ए जोड़ दिया जाता है तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाता है। तो ये जो है हे के ऊपर जबर और बड़ी ए लगा दिए तो ये है हो जाएगा। उसके बाद से रा है, ठीक, तो रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रा को उर्दू में रे कहते हैं, तो फटाफट लिख दीजिए रे से रा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है रा, यानी कि आ की मात्रा में बदलने के लिए रे में अलिफ जोड़ देंगे तो ये रा हो जाएगा। उसके बाद से न है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए, अभी जुड़ा नहीं है, इन सबको जोड़ देंगे तो आप आसानी से हैरान भी लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ना तो मैं आप लोग को बताई हूँ, हे का 50% यानी कि आधा भाग उठाना है, ये आधा भाग कट जाएगा और ऊपर वाला आधा भाग ऐसे, ये हो हे हो गया। उसके बाद से हे के ऊपर क्या है, ज़बर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, मन में माना जाता है। तो हे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जो है ना अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप लेकर आकर हे में जुड़ जाएगी। तो देखिए हे के ऊपर ज़बर और ये बड़ी ये है, ठीक है, तो हे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर है, उसके बाद से ये जो रे है लाकर इसी में से जोड़ दीजिए। ठीक, रे जुड़ गया और रे में अलिफ जोड़ना है तभी तो रा होगा ना, तो रे में ले जाकर अलिफ चिपका दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया रे में अलिफ जुड़कर रा और नून जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका देना है। तो देखिए है रा और न हैरान, कितना आसानी से हम लोग हैरान लिख लिए। इसी तरह बाकी सभी शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख पाएंगे, बस ए की मात्रा में बदलना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, आगे देखिए अगला शब्द है चैनल। ऐसा होता है ना यूट्यूब चैनल, तो अगर आप लोगों को चैनल लिखना है तो उर्दू में कैसे लिखेंगे, और हाँ आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि उर्दू में यूट्यूब कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में ऊ की मात्रा है ना, और ऊ मात्रा वाले शब्दों को मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे ऊ मात्रा वाले शब्दों को उर्दू में लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये हर एक चीज़। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि YouTube कैसे लिखा जाता है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि चैनल कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे हैं। तो चैनल कैसे लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, चय है, चैनल में चय है, तो सोचिए कि चौक उर्दू में क्या कहते हैं, चौक उर्दू में चे कहते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया आप लोगों का चे से चौ। उसके बाद से चय, ए की मात्रा में बदलना है तो चे के ऊपर जबर लगा दीजिए और इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए, ये चय हो जाएगा। उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, लिख दीजिए, फिर ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, लिख दीजिए फटाफट, अब इन सबको जोड़ दीजिए, चैनल आसानी से लिखा जाएगा। देखिए चे का आधा भाग उठा लीजिए, ऊपर वाला ये 50% भाग, तो उठा लिए, ये हो गया
चे, चे के ऊपर क्या है, ज़बर है, लेकिन हम लोग मन में मानेंगे। उसके बाद से ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी, आकर इसी चे में जुड़ जाएगी। तो चे के ऊपर ज़बर और ये बड़ी ये जुड़कर चय हो गया। उसके बाद से नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून का आधा भाग उठा लिए। उसके बाद से लाम पूरा का पूरा उठाकर लाकर ऐसे जोड़ दीजिए इसी में। तो देखिए ये हो गया चय, नून से न और लाम से ला, तो चय और नल, चैनल। कितना आसानी से चैनल हम लोग लिख लिए। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, तैयार। तैयार अगर आप लोगों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला अक्षर क्या है? तय। तो उर्दू में क्या कहते हैं? ते कहते हैं। ते से तो त हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? तय है, ऐ की मात्रा में है, तो इसको ऐ की मात्रा में बदल दीजिए, ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से या है, यौ को उर्दू में क्या कहते हैं? छोटी ये कहते हैं। बड़ी ये से भी यह होता है, लेकिन यहाँ पर छोटी ये रखेंगे, ठीक। ये हो गया छोटी ये से यौ, लेकिन या बनाने के लिए इस छोटी ये में अलिफ जोड़ देंगे, और र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को। ते का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, उठा लीजिए फटाफट। ये हो गया ते, ते के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी में आकर जुड़ जाएगी, ठीक। तो ते के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया तय, और ये जो छोटी ये है, मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, अपना शक्ल चेंज करेगी और वैसा ही रूप ले लेती है जिस तरह की बड़ी है, होता है ना। बड़ी ये भी किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो ऐसा ही रूप ले लेती है, छोटी ये भी किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो ऐसा ही रूप ले लेती है ना। तो यहाँ पर बड़ी ये तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले ली, अब इसमें छोटी ये भी तो जोड़ना है, तो छोटी ये भी जुड़ेगी ना, तो क्या ऐसे ही रूप लेकर इसमें जुड़ जाएगी? तो हाँ बिल्कुल जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पर दो बार ये हो जा रहा है ना, दो बार ये हो जा रहा है, तो इसको दो बार ये लिखने के बजाय हम लोग एक ही बार लिखेंगे, लेकिन हम इसको दो बार ये पढ़ेंगे। कैसे? यहाँ पर ध्यान से समझिए। ते में ये बड़ी ये जुड़ गया, ते के ऊपर ज़बर था और ते में ये बड़ी ये क्या कर गई, अपना शक्ल चेंज करके इस ते में जुड़ गई, ठीक। और फिर आप लोगों को ये छोटी ये जोड़ना था, तो छोटी ये भी इसी तरह शक्ल बनाएगी ना, तो छोटी ये अगर शक्ल चेंज करके ऐसे आकर जुड़ जाती तो ये दो बार ये हो जाता। तो दो बार ये ना लिख कर हम लोग क्या करते हैं, एक ही ये लिखते हैं, लेकिन इसको दो बार पढ़ने के लिए ये ऊपर तशदीद लगा देते हैं, ठीक। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और या बनाने के लिए ये जो अलिफ है इसी में ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए ये ऊपर जिस भी अक्षर के ऊपर ये तशदीद रहते हैं ना, इस तरह लिखा जाता है तशदीद, आप इंग्लिश में डब्लू लिखते हैं ना, उसी तरह उर्दू में इसी को छोटा कर दीजिए, छोटा आकार, तो उसको बोला जाता है उर्दू में तशदीद, ठीक। तो जिस भी अक्षर के ऊपर ये तशदीद रहता है वो अक्षर दो बार पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर दो बार ये लिखने के बजाय हम लोग एक ही बार ये लिख दिए हैं, बस इसके ऊपर तशदीद लगा देना है आप लोगों को। इसी तरह उर्दू में होता है। तो देखिए ते के ऊपर ज़बर और इस ये को हम कितना बार पढ़ रहे हैं? दो बार। तो एक ये को बड़ी ये मान लीजिए, तो ते के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर तय हो जाएगा, और फिर इसमें एक और ये भी है ना, तो एक ये से ये हो जाएगा य, और ये उसी य में ये अलिफ जुड़ा है, तो ये य में अलिफ जुड़कर या, और ये जो रे है ये जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का तैयार, ठीक। समझ रहे बात को? आप लोगों के हिसाब से ऐसे लिखा जाना चाहिए। ते से ता हो गया, ते के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी, ऐसा रूप ले लेगी। ते के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर ये हो गया तय, और ये जो छोटी ये है ये भी अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है ना, और इसी ये में अलिफ जाकर ऐसे जुड़ जाता और ये रे जुड़ जाता। इस तरह आप लोगों के हिसाब से तैयार लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर देखिए दो बार ये आ जा रहा है, तो उर्दू में ऐसा नहीं होता है। दो बार ये लिखने के बजाय हम लोग एक ही बार ये लिखते हैं, बस ये के ऊपर ये को दो बार पढ़ने के लिए ये तशदीद लगा दिया जाता है, बस और कोई बात नहीं है, बस तशदीद लगा देना है। जिस भी अक्षर के ऊपर तशदीद रहेगा वो अक्षर दो बार पढ़ा जाएगा, ठीक। तो ये के ऊपर क्या है? तशदीद है, तो तैयार। लेकिन मैं आप लोगों को अभी क्या बताई कि ज़बर ज़ेर तशदीद पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, तो ये तशदीद जो है ना वो हटा दीजिए, ऐसे माना जाएगा तैयार, ठीक। आराम से तैयार पढ़ लेंगे आप लोग। आगे बढ़िए, अगला अक्षर है, अगला शब्द है कैमरा। कैमरा कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहला अक्षर क्या है? कै। क को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। काफ से तो क हो गया, कै बनाने के लिए काफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए, तो कै हो जाएगा, मीम से म हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा मीम से म, और रे में र है तो रे से र, और रे में अलिफ जोड़ दीजिए तो रा हो जाएगा। अब इन सबको जोड़िए। देखिए काफ का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, तो फटाफट उठा लीजिए। ये हो गया काफ, और काफ के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी काफ में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर कै हो गया, और ये जो मीम है, मीम का भी आप लोगों को ये बिंदु वाला आधा भाग उठा लेना है, तो उठा लीजिए। ये हो गया मीम का आधा भाग, सिर्फ ये बिंदु वाला भाग, ठीक है। तो मीम से म, और ये जो रे है
ले जाकर रे इसी मीम में ऐसे जोड़ देना है, ठीक। और रे में अलिफ जुड़कर ये जो अलिफ है इसको रा बना दीजिए। तो देखिए ये हो गया आप लोग का कै मीम से म, और रे में अलिफ जुड़कर रा, तो कै मरा कैमरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, हैरत। हैरत में सबसे पहला अक्षर क्या है, है। हॉक उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं। तो ये हो गया हे से हा। है बनाने के लिए इस अक्षर के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, तो ये है हो जाएगा। उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, और त है, त को उर्दू में ते कहते हैं। बस इन सबको जोड़ दीजिए। हा का आधा भाग यानी कि ये हे का आप लोगों को आधा भाग उठा लेना है, उठा लीजिए। ये हो गया हे। हे के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके आकर इसी हे में जुड़ जाएगी। और ये जो रे है इसी हे में जोड़ दीजिए, ऐसे चिपका दीजिए, और ते को भी पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे रे के पास चिपका देना है। तो देखिए हे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर है, और रे से रा और ते से ता, तो ये हो गया है रा ता, हैरत, ठीक। हैरत, कितना आसानी से हम लोग हैरत भी लिख लिए, बस और कुछ नहीं है। इसी तरह आप लोगों को बाकी सभी शब्दों को आसानी से उर्दू में लिख लेना है। ज़्यादा कोई मतलब इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस ज़बर लगाकर बढ़िए जोड़ देना है। अब आप लोगों के लिए आसान ये लग रहा होगा, ठीक। आगे बढ़िए। अब मेरे बनाने से पहले, मेरे इन हिंदी शब्दों को उर्दू में लिखने से पहले आप लोग खुद उसको उर्दू में लिखे, और तब आप लोग मेरे से मिलाए कि आप लोग सही लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक। आगे बढ़िए। पैदल, पैदल कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर क्या है, पै। प उर्दू में पे कहते हैं, पे से तो प हो गया। पै बनाने के लिए पे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जोड़ दीजिए। और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है, द है। द को उर्दू में दाल कहते हैं, फिर ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़िए। पे का आप लोग को आधा भाग उठाना है, आप लोग जानते ही होंगे। ये हो गया पे। पे के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी पे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक। और ये जो दाल है, दाल, इसी को ले जाकर इसी ये में जोड़ देना है, ठीक। तो पे के ऊपर ज़बर और ये बड़ी है जुड़कर ये तो हो जा रहा था पे, और ये हो गया दाल से द, और ये जो लाम जो है ना पूरा का पूरा लाकर इसमें चिपका दीजिए, तो ये हो गया पे दौला, तो ये हो गया पैदल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है शैतान, शैतान। तो शैतान में सबसे पहला अक्षर क्या है, शय। शौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सोचिए, तो बड़ी शीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना तलाबे शह है, ये वाला शह है, तो ये हो गया बड़ी शीन से शौ। शय बनाने के लिए इस शीन के ऊपर जबर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से ता है। तो उर्दू में क्या कहते हैं, यहाँ पर तो रहेगा, ठीक। तो से त, ते से भी ता होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग तो का यूज़ करेंगे। तो से ता, और ता बनाने के लिए इसी तो में अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से ना है। ना उर्दू में क्या कहते हैं, एक मिनट, नून कहते हैं, अच्छा से लिख दूँ ऐसे, हाँ, नून से हो गया आप लोग का ना। अब इन सबको जोड़िए। शीन का ये आधा भाग उठाया जाता है, तीन ठो नोकीदार वाला भाग, ठीक। तो एक दो तीन, तीन ठो ही नोक निकालना है, याद रखिएगा, ये तीन नोक रहता है ना, एक दो तीन, तो यहाँ पर भी एक दो तीन, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का बड़ी शीन। शीन के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी शीन में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक। तो शीन के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़ कर ये हो गया शय, और ये जो तो है ना का पूरा लाकर इसी में ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए जिस तरह ऐसे बी बनाते हैं आप लोग ना, उसी तरह आप लोगों को उर्दू में क्या है, उसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में आप लोग बी बनाते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा सा शेप दे देना है ऐसे, तो इसको बोला जाता है उर्दू में तो, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का तो से त, ठीक। ता बनाने के लिए जो अलिफ है इसी तो में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए, तो में अलिफ जुड़कर ता, और ये जो पूरा का पूरा नून है ले जाकर इसमें चिपका दीजिए, ठीक। तो देखिए शय ता न, शैतान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डकैती लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लोग, सबसे पहला अक्षर क्या है, ड। ड को उर्दू में डाल कहते हैं, लिख दीजिए। क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं, क बनाने के लिए काफ के ऊपर जबर और उसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए। ती है, त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, ते से तो त हो गया। ती बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है ती में, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो किसी भी अक्षर को, उर्दू का कोई भी अक्षर है, अगर उसको बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर उसमें छोटी ये जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर जो है ना बड़ी की मात्रा में बदल जाता है। तो ते के नीचे जेर और छोटी ये लगा दिए, तो ये ती हो जाएगा, बड़ी वाली ती, ठीक। अब इन सब को जोड़िए। डाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। डी हो गया आप लोगों का डाल से ड, फिर उसके बाद से काफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है यहाँ पर, और काफ का आधा भाग उठा लिए। काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, ठीक, हम लोग मन में मान रहे हैं, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी काफ में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए डाल से ड और काफ के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर कै, और उसके बाद से ते का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, ये हो गया आप लोगों का ते से त,
ठीक, ते के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो छोटी ये है ये आकर पूरा का पूरा ते में जुड़ जाएगी। ठीक, तो देखिए ड, और ये हो गया आप लोग का क, और ते के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ती, तो ड कैती, ड कैती। ठीक, आगे बढ़िए, बैठक। बैठक कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहला अक्षर है बै, ब को उर्दू में बे कहते हैं, बे से तो ब हो गया, बै बनाने के लिए इसके ऊपर जबर लगाकर बढ़िए जोड़ दीजिए। ठ है, ठ को उर्दू में क्या कहते हैं और कैसे लिखा जाता है, जिस तरह देखिए टी से ट और टी में एच जोड़ देते हैं, टी एच से ठ, उसी तरह उर्दू में ये होता है टे से ट और टे में एच, यानी कि ऐसे हे जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ठ, ये हो गया आप लोगों का ठ। ठीक, उसके बाद से क है, क को उर्दू में क्या कहते हैं, क को उर्दू में काफ कहते हैं। ठीक, अब इन सब को जोड़ दीजिए। बे का आप लोग को आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए, बे के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी बे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, तो बे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़ कर ये हो गया बै। अब ये जो ठ है ना, पूरा का पूरा जिस तरह लिखा है उसी तरह आप लोग को ये पूरा का पूरा ठ ले जाकर इसी में चिपका देना है, ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, दिखाई दे रहा है, फिर से एक बार लिखकर बता दे रही हूँ, ऐसे है ना, ये ऐसे, उसी तरह यहाँ पर भी आकर ऐसे कर देना है और ऊपर इस तरह बना देना है। तो देखिए ये हो गया ठ, और इसी ये जो निकला है ना यहाँ से, इसी में ले जाकर काफ को ऐसे जोड़ देना है ऐसे, तो ये हो गया काफ भी जुड़ गया इसी में। तो देखिए बे के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर ये तो हो गया बै, और उसके बाद ये हो गया ठ और ये हो गया काफ से का, तो बै ठ का, बैठक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हैवान। हैवान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर क्या है, है, हा को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, लिख दीजिए, हे से तो हा हो गया, है बनाने के लिए जबर लगाकर बढ़िए जोड़ देंगे, वाह है, वाव से वाह, वाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, और ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सब को जोड़िए, हे का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, हे के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी हे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, तो हे के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़ कर ये हो गया है, और ये जो वाव है, वाव को ले जाकर इसी में चिपका दीजिए और वाव में अलिफ ले जाकर जोड़ दीजिए। ठीक, तो वाव में अलिफ जुड़ कर वाह, और नून को पूरा का पूरा ले जाकर इसी में चिपका देना है। ठीक, तो देखिए है वा ना है वान, ये तो लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। फैसला कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है फै, फा को उर्दू में फे कहते हैं, ये फे से फ हो गया, फै बनाने के लिए फे के ऊपर जबर लगाकर बढ़िए जोड़ दिए, स है, स को उर्दू में क्या कहते हैं, यहाँ पर स्वाद रहेगा, स्वाद से स, और ला है, ला को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर सबको जोड़ देना है, फे का आधा भाग उठाना है, ये गोल वाला भाग, तो उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का फे, फे के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बढ़िए है अपना शक्ल चेंज कर करके और यहाँ पर फे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, तो फे के ऊपर जबर और बड़ी जुड़ कर ये हो गया फै, और ये जो स्वाद है, स्वाद का भी आधा भाग इतना उठा लेना है ऐसे। ठीक, इतना भाग मैं बोली ना, आधा भाग उठा लेना है, तो इतना भाग आप लोग उठा लिए। ठीक, स्वाद से स हो गया, और ये जो लाम है, लाम का भी आप लोग को आधा भाग उठा लेना है, लाम का आधा भाग उठा लीजिए। ठीक है, लाम से ला हो गया, और ला बनाने के लिए जो अलिफ़ है इसी लाम में ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया फैसला, फैसला। तो क्या इस तरह उर्दू में फैसला लिखा जाता है, नहीं, बस ये जो अलिफ है ना, अलिफ को हटाकर यहाँ पर हे जोड़ दिया जाता है ऐसे, ये अपना शक्ल चेंज करती है ना, किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो ये जो है ना हे, बस लास्ट में ले जाकर ऐसे लाम में जोड़ दिया, मतलब लाम में अलिफ जोड़ने के बजाय हम लोग हे जोड़ देते हैं, तो इस तरह से सही तरीके से उर्दू में फैसला लिखाता है। ठीक, तो उर्दू में फैसला इस तरह लिखा जाता है, फैसला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है बेचैन। कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है बे, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे, लेकिन यहाँ से बे से तो ब हो गया, लेकिन इसको ए, बे की मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे क्या करेंगे, बे बनाने के लिए, मैं आप लोगों को क्या बताइए, किसी भी अक्षर को ए की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देते हैं, तो बे हो जाता है। उसके बाद से चय है, चौक उर्दू में क्या कहते हैं, चौक उर्दू में चे कहते हैं, चे से च हो गया, अब चय बनाने के लिए चे के ऊपर जबर लगाकर और इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए, चय हो जाएगा। देखिए ए की मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिया जाता है, और ए की मात्रा में बदलने के लिए जबर लगाकर बढ़िए जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा, ए की मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बढ़िए जोड़ दीजिए, और ए की मात्रा में बदलना है तो जबर लगाकर बढ़िए जोड़ दीजिए, थोड़ा सा का अंतर होता है। ठीक है, और उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। ठीक, अब इन सबको जोड़िए, बे का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है, उठा लीजिए, बे के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो बड़ी है
पूरा का पूरा लाकर इसी में ऐसे जोड़ दीजिए। चलिए ये हो गया आप लोग का बे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ये हो गया बे, और उसके बाद से चे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। चे के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी चे में आकर जुड़ जाएगी। तो चे के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर चे, और ये हो गया आप लोग का नून से न पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखिए बे चे न बेचैन। ठीक, आप इस तरह भी लिख सकते थे, बे के नीचे जेर था, ठीक है, उसके बाद से जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे रूप ले लेती, मतलब हम यहाँ पर शक्ल चेंज नहीं करवाए थे बड़ी ए का, डायरेक्ट बे में बड़ी ए जोड़ ही दिए थे, लेकिन इस तरह आप शक्ल चेंज कर कर भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बे के नीचे क्या है, जेर, और ये हो गया आप लोगों का बड़ी ए, तो ये हो गया बे, उसके बाद से चे इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, और इसी में ये जोड़कर और नून जोड़ दीजिए। ठीक, तो बे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर बे, और चे के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर चे, और नून से ना बेचैन। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा होता है कि आप लोग इस तरह लिखें, ये ज़्यादा सही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है तैमूर। कैसे लिखेंगे, ते से त होता है, लिख दीजिए, तय बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। मुँह है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मुँह बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो मुँह में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब भी बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर को ऊ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर उसमें वाव जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर जो है ना ऊ की मात्रा, बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। ठीक, ते का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है, उठा लीजिए। ते के ऊपर क्या है, जबर है, और इसमें बड़ी है अपना शक्ल चेंज कर कर जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आप लोगों का तय। और मीम का ये बिंदु वाला आधा भाग उठा लेना है, तो उठा लीजिए। मीम के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो वाव है इसी मीम में आकर जुड़ जाएगा, तो मीम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया मुँह, और बस ये जो रे है लास्ट में ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का तय, और ये हो गया मुँह और रे से रा, तो तैमूरा तैमूर। चलिए इतने सारे शब्दों को हम लोग आसानी से लिख लिए। अब बात आती है ये वाला भाग का, ये वाला खंड तो हम लोग पूरा कर लिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको फटाफट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला शब्द है तैरना। ठीक, तो तैरना में पहला अक्षर क्या है, तय, तो उर्दू में ते कहते हैं, ते से त हो गया, तय बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, और ना है, ना को उर्दू में नून, और ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब हम लोग फटाफट करते हैं। ठीक, ते का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, उठा लीजिए। ते के ऊपर जबर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी, ऐसे आकर जुड़ जाएगी, तो ते के ऊपर जबर, बड़ी जुड़ कर ये हो गया तय, और ये जो रे है पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए। नून का आधा भाग उठा लेना है, नून का भाग आधा भाग उठाकर, और इसी में अलिफ ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए तय र ना तैरना, कितना आसानी से। आगे बढ़िए मैदान। मैदान में सबसे पहला अक्षर क्या है, मैं, मीम से माँ होता है, मैं बनाने के लिए मीम के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से दा है, दा को उर्दू में दाल कहते हैं, दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। फिर ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। ठीक, अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को। मीम का आधा भाग उठाना है ऐसे, बिंदु वाला भाग, ये हो गया आप लोगों का मीम। मीम के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके मीम में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। उसके बाद से दाल को पूरा का पूरा ले जाकर इसी ए में जोड़ देना है, दाल में अलिफ जोड़ दीजिए, ऐसे दा हो जाएगा। फिर नून को पूरा का पूरा ले जाकर चिपका देना है। तो देखिए मीम के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर मैं, दाल में जुड़कर दा, और नून से ना, तो मैदान। आगे बढ़िए बैठना। बैठना कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहला अक्षर है बै, बौ को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बे से तो ब हो गया, बै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। ठ है, ठ को उर्दू में अभी मैं बताई ना इस तरह लिखा जाता है ठ, ठीक है, तो उसी तरह लिख दीजिए यहाँ पर ठ। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दे देना है। बे का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट। बे के ऊपर क्या है, जबर है, बड़ी ये जुड़कर ऐसे हो जाएगा, बे के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर बै, और ये ठ है पूरा का पूरा ले जाकर इसी में ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ठ, और नून, नून का आधा भाग भी इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ना है, और नून में अलिफ ऐसे चिपका देना है। तो देखिए बे के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया बै, ठ और नून में अलिफ जुड़ करना, तो बैठना, बैठना। आगे बढ़िए तैराक। सबसे पहला अक्षर तय, तो को उर्दू में ते, तय बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ देना है। रा है, रा को उर्दू में रे, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। क है, क को उर्दू में काफ। ठीक, अब देखिए ते का आधा भाग उठा लिए, ते के ऊपर जबर है, मन में मानेंगे, बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर जुड़ जाएगी, ये हो गया आप लोग का तय। और रे जो है ना पूरा का पूरा इसी ए में लाकर जोड़ दीजिए, और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए, रा हो जाएगा, और काफ पूरा का पूरा ले जाकर चिपका देना है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का तय, रे में अलिफ जुड़कर रा, और क तैराक।
आगे बढ़िए, बैकाल, ये तो लिखना आसान है। देखिए बैकाल कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर क्या है, बै। बौ को उर्दू में क्या कहते हैं, बे। बै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। का है, कौ को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। का बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ दीजिए। ला है, ला को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। ठीक, बे का आधा भाग उठा लिए। बे के ऊपर क्या है, जबर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे रूप ले लेगी। तो बे के ऊपर जबर, बड़ी जुड़कर बै, और काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ का जो ये सीधा वाला भाग है ना, यहाँ पर कर्व हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और इसी काफ में आप लोग को अलिफ जो है ना ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। ठीक, तो ये हो गया बै और का, और ये जो लाम है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। ठीक है, तो बे के ऊपर जबर, बड़ी जुड़कर बै, का और ला, बैकाल। आगे बढ़िए, कैलाश। कै है सबसे पहला अक्षर, तो काफ को कौ उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। काफ से क हो गया। कै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। ला है, ला उर्दू में लाम कहते हैं। ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। शह है, तलाबे शह है, तो बड़ी शीन लिख दीजिए। एक मिनट, इस तरह नहीं, मैं फास्ट कर रही हूँ, थोड़ा इस तरह लिख दे रही हूँ। ठीक, ऐसे इस तरह भी शीन लिखा जाता है, बट आप लोग इस तरह समझिए। ठीक है, ये हो गया आप लोग का शीन से शाह, इसी को इस तरह भी लिखा जाता है, इसलिए मुझे आदत है इसी तरह लिखने की, तो बट कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये हो गया आप लोग का शीन से शाह। उसके बाद से इन सबको जोड़िए। काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे जुड़ जाएगी। तो काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़ कर ये हो गया कै, और लाम का आधा भाग उठा लेना है, उठा लीजिए, और लाम में ये जो अलिफ है चिपका दीजिए ऐसे, और ये जो शीन है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, तो देखिए काफ के ऊपर ज़बर, बड़ी जुड़ कर कै, ला और सा, कैलाश। आगे बढ़िए, बैंगन। बैंगन, तो सबसे पहला अक्षर क्या है, बै। बौ को उर्दू में बे, बै बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। एक मिनट, ये हो गया बै। उसके बाद से ऊपर बिंदु वाला ना है ना, तो ऊपर वाले बिंदु वाले ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून ही कहते हैं। उसके बाद से ग है, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं। उसके बाद से फिर से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। ठीक, अब देखिए जोड़िए। बे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, उठा लिए। बे के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर जुड़ जाएगी। उसके बाद से ये नून है, नून का भी आप लोग को आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और फिर गाफ का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है। ठीक, और ये जो नून है इसको पूरा का पूरा ले जाकर लास्ट में गाफ में चिपका देना है। ठीक है, देखिए बे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर ये हो गया बै, और ये वाले ना से ऊपर बिंदु वाला ना हो गया, और गाफ से ग हो गया, और नून से ना, तो बैंगन, बैंगन। ठीक, आगे बढ़िए, ऐलान। ऐलान कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आप लोग को क्या बताई हूँ कि अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिया जाता है, तो ये ऐ पढ़ा जाता है। ठीक, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर भी वही करना है, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए तो ये ऐ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना ऐ ऐसे नहीं रहेगा, ऐन से भी आ होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए, और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे ज़बर लगाकर तो ये ऐ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, फिर ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। अब जोड़ कर बताती हूँ, देखिए ये ऐन है ना, ऐन से अ होता है, तो ऐन का ये आधा भाग उठा लेना है। जिस तरह अलिफ से है अ, उसी तरह ऐन से भी अ होता है, याद रखिएगा, अलिफ से अ, ऐन से भी अ। तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे तो ये ऐ पढ़ा जाएगा, तो ऐन के ऊपर भी तो ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे तो ये ऐ पढ़ा जा सकता है ना, तो वही बात यहाँ पर भी है, ऐन के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ देना है तो ये ऐ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐ बनाने के लिए तो ऐन का आधा भाग उठा लिए, ऐन के ऊपर क्या है, ज़बर है। ठीक है, और बड़ी ये जो है ना अपना शक्ल चेंज करके आकर इसी एन में जुड़ जाएगी, तो ये देखिए एन के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर ए, और लाम का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, और लाम में अलिफ ये ले जाकर चिपका देना है। ठीक, इसको अच्छा से मैं लिख दूँ, हाँ ये जो अलिफ है इसी लाम में ऐसे चिपक जाएगा। उसके बाद से नून का पूरा, नून जो है ना जिस तरह लिखा है पूरा का पूरा उस तरह ले जाकर चिपका। ठीक, तो ये हो गया ए, ला और ना, ऐलान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऐनक। सबसे पहला अक्षर है ए, तो अभी मैं बताई यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी जुड़कर ए नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर भी एन ही यूज़ होगा ए बनाने के लिए। एन से अ और एन के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी जुड़ दीजिए तो ये ए हो जाएगा। फिर ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, और क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। ठीक, देखिए आप लोगों को ऐसा माइंड में खटक रहा होगा कि अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दिया जाता है तब ना ये ए पढ़ा जाता है, लेकिन आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि एन के ऊपर भी ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दिया जाता है ना, तो वो ए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वही वाला बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी। अब इन सबको जोड़िए, एन का आधा भाग उठा लेना है। ठीक, एन के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो बड़ी है एन में आकर शक्ल चेंज करके जुड़ जाएगी, तो एन के ऊपर ज़बर बढ़िया जुड़ कर ये हो गया ए, और नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे। ठीक है, और नून से ना हो गया, और काफ का पूरा ऐसे भाग लिख देना है ऐसे। तो देखिए ए, नून से ना, और काफ से का, ऐनक। आगे बढ़िए, कैंडल। कै है सबसे पहले अक्षर, तो क उर्दू में क्या कहते हैं, काफ।
तय बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। ऊपर बिंदु वाला ना है तो ऊपर वाले बिंदु वाले ना को उर्दू में नून कहते हैं। फिर ड है, ड को उर्दू में डाल कहते हैं। फिर ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। काफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है बड़ी, आकर ऐसे शक्ल चेंज करके जुड़ जाएगी। तो काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया कै। और नून ऊपर बिंदु वाला नून जो है वो उसका आधा भाग ऐसे उठा लेना है। ये नून से हो जाएगा ऊपर बिंदु वाला ना, और डाल जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए और लास्ट में लाम चिपका दीजिए पूरा का पूरा। तो ये हो गया कै, नून से ऊपर बिंदु वाला ना, और डाल से डा और लाम से ला, तो कैंडल। आगे बढ़िए, बैटरी। बैटरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर क्या है, बै। बौ को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। बे से तो बौ हो गया। बै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। ट है, ट को उर्दू में टे कहते हैं। फिर री है, र को उर्दू में रे। और देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है ना, तो इस रे के नीचे जेड लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे तो ये री, बड़ी वाली री की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए बे का आधा भाग आप लोग को उठाने लगा है, उठा लीजिए। बे के ऊपर क्या है, जबर है बड़ी, ये शक्ल चेंज कर इसमें आकर इसे जुड़ जाएगी। और टे का भी आप लोग को आधा भाग उठा लेना है। फिर रे है, पूरा का पूरा इसी टे में जोड़ दीजिए। ठीक है, ये टे थोड़ा और यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और रे के नीचे क्या है, जेर है, बस बड़ी ये ले जाकर इसे चिपका दीजिए। तो देखिए बे के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर बै, टे से ट, और रे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर री, तो बैटरी, बैटरी। आगे बढ़िए, बैसाखी। कैसे लिखेंगे, बै है, सबसे पहला अक्षर क्या है, बै। तो बे से ब हो गया। बै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी जोड़ दिए। सा है, सा को उर्दू में सीन कहते हैं। सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। खी है, ख को उर्दू में खे कहते हैं। खी बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है खी में, तो खे के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, बड़ी वाली खी की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक, बे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी तरह भी लिख दे रही हूँ, लेकिन इतना फास्ट जल्दी का काम हमेशा बेकार होता है, तरह नहीं करना है। चलिए मैं आराम आराम से बता रही हूँ। बे का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है ऐसे, बे। और बे के ऊपर क्या है, ज़बर है, और बड़ी जो है ना अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी बे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, तो बे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर बै हो गया। और सीन, ये जो है सीन का नुकीदार भाग, आधा भाग उठा लेना है ऐसे, तो ये हो गया आप लोगों का सीन। और सीन में अलिफ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा सा। और खे का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है, और अच्छा से लिख दूँ खे, ये हो गया आप लोगों का खे। खे के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो छोटी है आकर इसी खे में जुड़ जाएगी। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का बै, सीन में अलिफ जुड़कर सा, और खे के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर खी, तो बैसाखी, बैसाखी। आगे बढ़िए, लास्ट शब्द है फैजान। फैजान कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहला अक्षर क्या है, फै। फ उर्दू में क्या कहते हैं, फे कहते हैं। फे से तो फ हो गया। फ बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, फ हो जाएगा। और जा है, ज्वाद से ज होता है, नीचे बिंदु वाला ज है ना, तो ज्वाद से ज, और जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। ना है, ना उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को। देखिए फे का आप लोगों को आधा भाग उठा लेना है, उठा लिए। फे के ऊपर क्या है, ज़बर है, और बड़ी ये जो है ना शक्ल चेंज करेगी और इसी फे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो फे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर फे, और ये जो ज़्वाद है, ज़्वाद का आधा भाग ऐसे उठा लेना है ऐसे। ठीक, और ज़्वाद में ये अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, और उसके बाद से नून को तो पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका ही दीजिए। तो फे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर फे, ज़्वाद में अलिफ जुड़कर ज़ा, और नून से ना, तो ये हो गया आप लोगों का फैजान। तो कितना आसानी से तीन अक्षर से बने अ मात्रा वाले शब्दों को, इतने सारे शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख गए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग तो अब तीन अक्षर से बने ढेर सारे अ मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं हिंदी में, तो अब आप लोगों को यही करना है कि हिंदी में तीन अक्षर से बने ढेर सारे अ मात्रा वाले शब्दों को लिखना है, और कम से कम 10, ज़्यादा 10 से ज़्यादा हो सकता है, अब आप 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, कम से कम आप लोगों को 10 ठो अक्षर लिखना है तीन अक्षर से बने अ मात्रा वाले शब्द हिंदी में, और फिर आप लोग को उसको उर्दू में लिखकर और पढ़कर प्रैक्टिस करना है। और कहीं पर भी अब आप लोग उर्दू लिखा हुआ देखिए उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आप लोग ज़ीरो लेवल पर नहीं है, ज़ीरो लेवल से धीरे धीरे आप लोग अब हाई लेवल पर जा रहे हैं। ठीक, तो ये आप लोग के लिए ज़रूरी है कि कहीं पर भी अगर आप लोग उर्दू लिखा हुआ देखें तो उसको पढ़ने की कोशिश करें और लिखने की भी कोशिश करें, ताकि आप लोग की हैंडराइटिंग अच्छी हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का हैंडराइटिंग दी बेस्ट हो, आप लोग का हैंडराइटिंग अच्छा हो, तो मैं ऑलरेडी संडे टॉक में बताई हूँ संडे टॉक के माध्यम से कि कैसे उर्दू की हैंडराइटिंग को बेहतर बनाया जा सके। या फिर अगर आप लोग का हिंदी इंग्लिश का भी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है ना, तो उस वीडियो को देखें, वो उसमें हर एक चीज़ ऐसा फार्मूला बताई हूँ ना जिसका यूज़ करके आप हिंदी इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज उर्दू की भी हैंडराइटिंग
बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उसको संडे टॉक का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें। अगर आप लोग का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, आप लोग का हैंडराइटिंग अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। अगर मैं जो भी बताई हूँ फार्मूला, उस फार्मूले को अगर आप लोग अपने ऊपर 100% अप्लाई करते हैं तो ठीक। तो चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और चारों तरफ शेयर कर दे अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटे को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।